हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू हेल्थ में डिजी। और मैं हूं डॉक्टर नीरज। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मेल में लिखा था कि एक प्रॉब्लम है जिससे हम काफ़ी समय से परेशान हैं। जब भी हम सिटिंग से उठकर चलना शुरू करते हैं या काफ़ी देर किसी जगह पर बैठ जाते हैं और उसके बाद उठकर चलने लगते हैं, तो जैसे ही कुछ दूर चलते हैं हमारी बैक ऑफ थाई में एक खिंचाव पड़ता है और हम लोग वहीं स्टक हो जाते हैं, हम आगे चल नहीं पाते। तो इस प्रॉब्लम के बारे में बताने के लिए कहा था और इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस का वीडियो बनाने के लिए भी आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे लिखा था। तो आज इस प्रॉब्लम के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम को हैमस्ट्रिंग क्रैम्प कहा जाता है और आजकल हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में ये काफ़ी कॉमन हो गया है, क्योंकि हम लोगों की लाइफस्टाइल में पैदल चलना या साइकिलिंग करना काफ़ी कम हो गया है। इसके अलावा मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले जो लोग हैं उनका स्टेयर वर्क काफ़ी कम रहता है, ज़्यादातर वो लोग लिफ्ट ही यूज़ करते हैं। तो इसकी वजह से हैमस्ट्रिंग मसल, जो कि हमारी बैक ऑफ थाई की मसल है, उसमें एक्टिविटी कम होने की वजह से और कई बार मसल की शॉर्टनिंग होने की वजह से भी हैमस्ट्रिंग मसल में क्रैम्प आना शुरू हो जाते हैं। और इसकी वजह से जब भी पेशेंट चलना शुरू करता है काफ़ी देर बैठने के बाद में, तो उसकी लेग में क्रैम्प आ जाता है और वो पेशेंट वहीं स्टक हो जाता है। और जब तक वो क्रैम्प निकल नहीं जाता है, रिलीज़ नहीं हो जाता है, तब तक उसे काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। उसे बैठना पड़ता है या लेग को स्ट्रेच करना पड़ता है और क्रैम्प रिलीज़ होने के बाद ही वो आगे बढ़ पाता है। तो फ्रेंड्स, इस हैमस्ट्रिंग क्रैम्प होने के क्या कारण है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। हैमस्ट्रिंग क्रैम्प होने के काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि वे लोग जिनका ऑफिस वर्क ज़्यादा रहता है और उनके दिन का एक बड़ा हिस्सा सिटिंग में निकलता है, बैठे बैठे काम करने में निकलता है, उन लोगों में बैक ऑफ थाई के जो मसल हैं, जिन्हें कि हैमस्ट्रिंग मसल कहा जाता है, इन मसल्स की शॉर्टनिंग हो जाती है और उसकी वजह से ये क्रैम्प आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा दूसरे कारण में वे लोग हैं जिनकी अपने डेली रूटीन में वॉकिंग काफ़ी कम रहती है या स्टेयर वर्क काफ़ी कम रहता है, उन लोगों में भी हैमस्ट्रिंग क्रैम्प की प्रॉब्लम काफ़ी कॉमनली देखने में आती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर डाइट में अगर मैग्नीशियम सप्लीमेंट की कमी रहती है, यानी कि आपकी डाइट मैग्नीशियम रिच नहीं है, तो उसकी वजह से भी अक्सर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो मस्कुलर सिस्टम है उसमें क्रैम्प्स देखे जाते हैं और हैमस्ट्रिंग क्रैम्प भी इसी के पार्ट के रूप में देखा जाता है। इसके साथ साथ हमारा सनलाइट एक्सपोजर क्योंकि आजकल काफ़ी कम हो गया है, तो इसकी वजह से भी अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से कई बार मसल्स में क्रैम्प्स आना शुरू हो जाता है, और क्योंकि हैमस्ट्रिंग मसल्स काफ़ी बड़ी मसल्स होती हैं तो उनमें क्रैम्प आना काफ़ी कॉमनली देखा जाता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने डेली एक्सरसाइज रूटीन में स्ट्रेचिंग्स या वार्म अप नहीं करते हैं और सीधा एक्सरसाइज से ही स्टार्ट करते हैं, उन लोगों में भी ये देखा गया है कि मसल्स की प्रॉपर स्ट्रेचिंग और टोनिंग ना होने की वजह से भी कई बार मसल पर अचानक जैसे ही लोड पड़ता है एक्सरसाइज में, तो मसल में क्रैम्प डेवलप होना शुरू हो जाता है और वो मसल की एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है क्रैम्प को डेवलप करने की। इसलिए वे लोग जो कि अपनी एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पर करते हैं लेकिन प्रॉपर टोनिंग और स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, उन लोगों में भी अक्सर ये देखा जाता है। इसके अलावा वे लोग जो कि अपने डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस की वजह से ऐसी मेडिसिन यूज़ करते हैं जिसमें कि डायूरेटिक्स इन्वॉल्व होते हैं, डायूरेटिक वे मेडिसिन होती हैं जिनसे यूरिन ज़्यादा पास होता है, लेकिन इन मेडिकेशन के इफ़ेक्ट के रूप में हमारी बॉडी में मिनरल्स भी पास आउट हो जाते हैं और मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसमें मैग्नीशियम एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है। और इसके अलावा लास्टली वे लोग जो कि अपनी हैमस्ट्रिंग की इंजरी से रिकवर हो रहे हैं, उन लोगों में भी अक्सर मसल की रिपेयर प्रोसेस में मसल की शॉर्टनिंग होने की वजह से भी कई बार हैमस्ट्रिंग क्रैम्प्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और इन क्रैम्प्स की वजह से अक्सर उन्हें दिक्कत आती है। तो इस तरह से ये कुछ कॉमन रीजंस थे जो मैंने आपको बताए, जिसकी वजह से हैमस्ट्रिंग्स मसल्स में क्रैम्प डेवलप हो जाते हैं और उसकी वजह से पैदल चलने में या डेली एक्टिविटी करने में काफ़ी दिक्कत आती है। फ्रेंड्स, अब हम ये देखते हैं कि इन क्रैम्प्स को किस तरह से ठीक किया जा सकता है, कैसे हम इन क्रैम्प्स से रिलीव हो सकते हैं और अपने डेली रूटीन में आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ये बार बार ये क्रैम्प्स डेवलप ना हो और आपको अपनी डेली एक्टिविटी में परेशानी ना हो। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने वर्क स्टेशन पर हर 15 से 20 मिनट के बाद में एक बार ज़रूर खड़े हो जाएं,
फिर उसके बाद चाहे आप थोड़ी दूर चलकर वापस आएं और फिर से बैठ सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि आप अपने वर्क स्टेशन पर ज़्यादा देर के लिए लगातार ना बैठें। इसके अलावा एक सिडेंटरी लाइफस्टाइल ना फॉलो करें। अपने मॉर्निंग या इवनिंग जैसे भी आपको टाइम स्पेयर होता है, आप थोड़ी देर के लिए वॉक ज़रूर प्लान करें। चाहे खाना खाने के बाद आप वॉक पर निकल सकते हैं। मसल्स की प्रॉपर टोनिंग और स्ट्रेचिंग के लिए ये ज़रूरी है कि आप डेली थोड़ा वॉक ज़रूर करें। इसके अलावा आप अपनी डाइट में ये कोशिश करें कि मैग्नीशियम रिच सप्लीमेंट्स ज़्यादा लें। अपनी डाइट में वे फूड आइटम्स लें जो कि मैग्नीशियम रिच होते हैं। कोशिश ये करें कि आप दिन भर में लगभग 15 से 20 मिनट के लिए सनलाइट एक्सपोजर ज़रूर लें। अगर ये अर्ली मॉर्निंग होता है तो ये और भी अच्छा है, क्योंकि वाइटामिन डी अगर आपकी बॉडी में सफिशेंट होगा तो इस तरह की डेफिशिएंसी होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। इसके अलावा वे लोग जो कि एक मॉर्निंग एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करते हैं, उन लोगों को मैं ये एडवाइस करूँगा कि वे लोग प्रॉपर स्ट्रेचिंग ज़रूर करें, और मसल्स की स्ट्रेचिंग और टोनिंग होने के बाद में ही अपना डेली एक्सरसाइज रूटीन स्टार्ट करें। इसके अलावा वे लोग जो कि अपनी डाइट में डायोरेटिक्स जैसी मेडिसिन लेते हैं, वे लोग अपने फिजिशियन या डॉक्टर से कंसल्ट करके डायोरेटिक्स की डोज को कम करवा लें, या आप उसके लिए एडिशनल सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब करवाएं, जिससे कि आपकी बॉडी में इस तरह के डेफिशिएंसीज ना क्रिएट हों और आपको हैमस्ट्रिंग क्रैम्प्स जैसी प्रॉब्लम से ना परेशान होना पड़े। इसके अलावा काफ़ी सारे लोगों को रात में भी ये क्रैम्प डेवलप होते हैं। उस कंडीशन में आप अपने पास एक हॉट वाटर बैग रखें, और आपको अगर सडनली क्रैम्प डेवलप हो गया है तो हॉट वाटर बैग से फोमेंटेट करने से ये क्रैम्प काफ़ी जल्दी रिलीज हो जाते हैं और आपको उसमें काफ़ी जल्दी आराम मिलता है। तो इस तरह से ये कुछ कॉमन प्रिकॉशंस और सजेशंस थे जिन्हें अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं तो इस तरह के हैमस्ट्रिंग क्रैम्प से आप अपने आप को इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं, और धीरे धीरे अगर आप रेगुलरली इन प्रिकॉशंस को फॉलो करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये क्रैम्प्स आना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि अपनी डाइट में भी थोड़ा सा मैग्नीशियम रिच सप्लीमेंट्स ज़रूर लें, ताकि अगर किसी तरह की डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी में तो उससे भी आप रिकवर कर सकें। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि वे लोग जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है, उन लोगों को इन छोटे छोटे टिप्स से ज़रूर फ़ायदा होगा और आप अपनी इस प्रॉब्लम से बड़े इजीली रिकवर कर पाएंगे, और इसमें बहुत ज़्यादा मेडिकेशन या किसी भी तरह की वरी करने की ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये तो था आज का हेल्थ अपडेट। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, साथ ही साथ बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखें। थैंक यू।